सीएम ने 3 महीने में तीसरी बार बजाया ढोल, दिल्ली के कन्नड़ प्रोग्राम में बजाया, कर्नाटक की संस्कृति को किया सेलिब्रेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में तालकटोरा स्टेडियम में शामिल हुए। सांस्कृतिक उत्सव बरिस कन्नड़ दिवामा के उद्घाटन में मोदी ढोल बजाते नजर आए। पिछले 3 महीने में ये तीसरी बार मोदी ने ढोल बजाया है। इससे पहले जनवरी में कर्नाटक के कुलबर्गी और दिसंबर में नागपुर में उन्होंने ढोल बजाया था। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज दिल्ली कर्नाटक संघ के 75 वर्षों का यह उत्सव ऐसे समय में हो रहा है जब देश भी आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब हम 75 वर्ष पहले परिस्थितियों को देखते हैं और आकलन करते हैं तो इस प्रयास में हमें भारत की अमर आत्मा के दर्शन होते हैं। भारत की परंपराएं हो या भारत की प्रेरणाएं हो, कर्नाटक के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। पौराणिक काल से भारत में कर्नाटक की भूमिका तो हनुमान की रही है। हनुमान के बिना ना राम होते हैं ना रामायण बनती है। आज जब भारत G20 जैसे बड़े वैश्विक समूह की अध्यक्षता कर रहा है तो लोकतंत्र की जननी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारे आदर्श हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।